हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको मेरे सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अभी तक अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जिससे कि सभी आने वाली मेरी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियो से रिलेटेड वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए हमेशा की तरह चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं कुछ। बड़े साइज़ के मैंने कच्चे आलू हैं इनको छील लिया है, 3 बड़े टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, और कुछ लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे पानी डालकर, और 3 बड़े साइज़ के प्याज को लंबा काट लिया गया है। कुकर लेंगे, कुकर में मैं बना रही हूँ। कुकर में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। जिस चम्मच से मैं बनाऊँगी इसी चम्मच से मैंने तेल को नापा है। मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूँ यहाँ पर, तो तेल मैंने यहाँ 2 चम्मच ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाने दें तो हमारी जो कच्ची आलू है उसको डाल देंगे, और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको अच्छे से भूनेंगे और पकाएंगे, जिससे कि ये आधे से ज़्यादा पक जाएंगी। आलू को उबाला नहीं गया है, कच्चे आलू से ही बना रहे हैं हम। तो इस तरह से इनको हाई फ्लेम में भून लीजिए। इस तरह का कलर आ गया है 2 मिनट तक भूनने के बाद में हाई फ्लेम पर। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें, डार्क कलर। और आलू थोड़े बड़े साइज़ के ही लेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब ये भुन गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी, एक साइड में रख दूँगी। और इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो इसको अभी हम डालते हैं तेल में। तेल कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं। जब मसाला अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें ये अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था, जो पीस कर तैयार किया था, इसको डाल देंगे और भून लेंगे। अब यहाँ पर हम प्याज डाल देंगे। खड़ा प्याज है, लंबा काटा गया है। 3 प्याज मैंने यहाँ लिए थे। आप प्याज ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, कम ना लें क्योंकि हमने यहाँ पीसा नहीं है। अब इसको हमें मीडियम फ्लेम में अच्छे से कैरमलाइज करते हुए भूनना है। ये देखिए कुछ इस तरह का ये प्याज हमारी जो है लगभग लगभग पक गई है, लेकिन जलनी नहीं चाहिए, गुलाबी रहे, सॉफ्ट रहे प्याज। अब यहाँ पर ये कश्मीरी मिर्च है जो कलर के लिए डाली जाती है, क्योंकि दम आलू बना रहे हैं तो कलर वाली मिर्ची डालना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच लिया है मिर्च को, और हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, और बाकी के सूखे मसाले भी डाल लेते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच धनिया भी डाल लिया है। धनिया पाउडर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मसाले डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लिया है मैंने। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर जो टमाटर की प्यूरी है इसको डाल देंगे, जिससे कि मसाले हमारे जल ना जाएँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है टाइम तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं मसाले डालने के बाद में, सूखे मसाले जलने नहीं चाहिए। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अभी हमने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला है, तो अब यहाँ पर हम लाल मिर्ची पाउडर भी डाल लेते हैं तीखेपन के लिए। पहले हमने कलर के लिए डाला था, ये तीखेपन के लिए डाला है। और टमाटर को अब अच्छे से भूनना है। नमक डाल लीजिए, नमक आप चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। जब टमाटर थोड़ा भुनने लगे तो इसमें डाल देंगे हम मलाई। ये ताजे दूध की मलाई है, या थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मलाई के साथ में। मलाई को अच्छे से मैश कर लीजिए अगर घर की मलाई यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा मलाई वाला पानी भी यहाँ पर 1 चम्मच डाल देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाए टमाटर के साथ में। और ये देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा इसको और पका लीजिए मीडियम फ्लेम में करते हुए। टमाटर को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और कलर भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर आया है, और मलाई की वजह से स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अब डाल देंगे यहाँ पर हम आलू अपनी, और पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाइए क्योंकि मसालेदार होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा मलाई का पानी और डाल दिया है, और इसको अब ढक्कन लगाकर हम पकाएंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए, नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च, और फिर हम इसको ढक्कन लगा देंगे। दो सीटी लगा लेना है यहाँ पर। दो सीटी हो चुकी है तो अब कुकर को हम खोलेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है।
बहुत ही ब्राइट कलर भी आया है। और मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से। और दम आलू बनकर तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से। ढाबा स्टाइल कह लीजिए या होटल रेस्टोरेंट स्टाइल कह लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट दम आलू कुकर में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।